छात्र विधानसभा के क्षेत्र बरसाना में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने बरसाना में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। बरसाना में चुनावी कार्यालय का उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने बताया कि छात्र विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ही एक मुद्दा है। मंत्री जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना भेदभाव के जनता को फ्री में वैक्सीन और बिना भेदभाव के राशन वितरण कराया है और बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेस का उद्घाटन भी किया और उत्तर प्रदेश में काफी उद्योग भी लगाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार देने में जैसे कोई रिश्वत नहीं ली गई है और साथ ही इस क्षेत्र के लोगों का मुद्दा था कुछ आटा शुगर मिल चालू की जाए जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले, क्षेत्र उन्नति करे और इसलिए हमने विधानसभा में शुगर मिल का बजट पेश किया है जिसमें शुगर मिल के साथ साथ बिजली का प्लांट और इस्लॉन प्लांट भी होगा और 1 साल में यह चालू हो जाएगी। और मंत्री ने बताया कि हमारे खेत में 1,425 करोड़ रुपए से यह पेप्सी की कंपनी लगी है जिसमें 60,000 टन आलू की खपत होगी और खेत में यूनिवर्सिटी कॉलेज है जिससे ITI पॉलिटेक्निक शिक्षा का पूरा प्रबंध है और ऑक्सीजन प्लांट अन्य सुविधा भी इस क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई है। देखिए हमारा एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने बिना भेदभाव के 1 साल से प्रदेश और देश की जनता को राशन दिया है, बिना भेदभाव के सबको वैक्सीन फ्री लगाई जा रही है, बिना भेदभाव के किसान सम्मान निधि समस्त देश और प्रदेश के किसानों के खाते में आ रही है। इसलिए यहाँ जितनी और सरकारें साधारण सड़कों की बात करती थी उससे कई गुना ज़्यादा तो हमारे प्रदेश में एक्सप्रेस वे बने हैं, यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। कानून व्यवस्था की वजह से पूरी दुनिया का उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना चाह रहा है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी का एक नया पैसा खर्च हुए, निष्पक्ष रूप से योग्यता के आधार पर भर्ती हुई है। हमने विकास किया है, यहाँ की महती मांग थी छाता शुगर फैक्ट्री, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रावधान किया है। 1 साल में छाता शुगर फैक्ट्री जिसमें इथेनॉल प्लांट होगा, शुगर प्लांट होगा, बिजली का भी प्लांट होगा, 1 साल में छाता शुगर फैक्ट्री भी चलेगी। 1,425 करोड़ रुपए से यहाँ पेप्सी को कंपनी लगी है जिसमें 60,000 टन आलू की खपत होगी। मेरे क्षेत्र में 4 यूनिवर्सिटी हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, ITI हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, शिक्षा का पूरा प्रबंध है। स्थानीय सरकारी अस्पतालों में मैंने अपनी विधायक निधि से फंड देके ऑक्सीजन प्लांट और अन्य सुविधाएं भी लगवाई हैं, यही हमारे मुख्य मुद्दे हैं। अगर आप पुनः विधानसभा में विधायक बनते हैं तो आपको जो मुख्य समस्या है उसके लिए क्या करेंगे? देखिए मुख्य समस्या है मेरे यहाँ नौजवान को रोजगार देना, किसानों के लिए छाता शुगर फैक्ट्री का शीघ्र से शीघ्र चलवाना और पिछले 4 सालों में 425 करोड़ रुपया आज तक किसानों को हम बीमा और सरकारी सहायता के रूप में किसान की फसल को नष्ट होने के लिए दे चुके हैं। यही मुख्य रूप से मेरे मुद्दे होंगे।